अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजानुल मुबारक के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो हम सबको ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम भी हो चुका होगा, हमारे देश में रमजानुल मुबारक का चांद नज़र आ चुका है और कल यानी कि मंगल के दिन हिंदुस्तान के अंदर रमजानुल मुबारक का पहला रोज़ा रखा जाएगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का ये बयान उस वक्त वायरल हुआ जब रमजानुल मुबारक के महीने में कुछ ही घंटे बाकी थे। दोस्तों, आपको बता दें, उनका ये बयान उस वक्त सामने आया जब वो कश्मीर के दौरे पर गए हुए थे और जब वो लोगों को खिताब कर रहे थे तो उस वक्त उनके सामने ज़्यादातर लोग मुसलमान थे। उन्होंने अपने इस बयान में रमजानुल मुबारक के बारे में बहुत अच्छी बातें कही और क्या कहा, आप खुद सुनिए और इस वीडियो को देखिए। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथियों, कुछ ही दिनों में अमन और इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। रमजान के महीने से हर किसी को शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है।